पूरा विश्व जो है मैं आपके साथ श्रावणी पटनायक से अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। जिसके जहन में बात हो, जय जगत की बात की विनोद भावे ने, जगत की जय हो। आप कल्पना कीजिए, ये देश वो है जहां पूरी दुनिया लोहा मानती है इसका। उस मुल्क में अगर हम लोग विचारधारा ही लड़े, हमारे लोकतंत्र में विचारधारा की लड़ाई होती है, होनी चाहिए, विचारधाराएं काम रहे। बड़ौदा के अंदर में राहुल गांधी के साथ था, वहां पर इंस्ट्रक्शन हो रहा था, एक व्यक्ति ने खड़ा होकर कह दिया ये बीजेपी आरएसएस खत्म होने चाहिए। तो राहुल गांधी ने कहा आप गलत कह रहे हो, वो एक विचारधारा है, वो एक विचारधारा है, आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, वो काम रहेगी, रहनी चाहिए। वो अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। हमारी जो लड़ाई है विचारधारा की है, जनता फैसला करे भाई आप क्या चाहते हो, ये उसकी बात है। तो मैं कहना चाहूंगा हमारी कोई लड़ाई किसी से नहीं, दुश्मनी नहीं है, पर जो विचारधाराएं हैं जिस रूप में हम चाहते हैं लोकतंत्र कायम रहे, सभी धर्मों का सम्मान हो, सभी जातियों का सम्मान हो, ऊंच नीच के कोई भेदभाव नहीं हो, सबको समान अधिकार मिले। हमारी गवर्नमेंट के रास्ता में कह सकता हूँ कि प्रयास है, जैसे गांधी जी ने कहा था कि आप अगर कुछ संशय हो, कोई आप मंत्री मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो या प्राइम मिनिस्टर हो, और जीवन में आपको कुछ संशय पैदा हो फैसला करते वक्त में, तो आप कल्पना करो उस गरीब व्यक्ति की जो जिंदगी में आपने कभी देखा है, और फिर सोचो मेरी कलम उस दिशा में चलनी चाहिए जिससे उस गरीब का भला हो रहा है क्या। और दावे साथ कह सकता हूँ मेरा बजट जो आया है, यही तारीफ सब लोग करते हैं, अगर आप देखेंगे, अगर उस बजट की कोई स्टडी करें जो करनी चाहिए आप सबको, बच्चों को भी सबको, और जो मन को समझना चाहिए, हर योजना, हर योजनाएं किसके हित के अंदर है। दतला की बात तो एक बात हुई, जो अभी मेरे महाराज पीसीसी से जो व्यक्ति मुझे मिला गेट पे, गणेश साहब मेरे गांव से, मेरा कोई भाई वगैरह कोई आया और सी के बिरला में इलाज करवाया, उसका हार्ट की ऑपरेशन था, 137 रुपये टैक्सी के लगे खाली, बाकी फ्री इलाज। मुझे दो बार कोरोना हो गया मुझे, और पोस्ट कोविड बड़ी प्रॉब्लम है, आपको भी कहना चाहूँगा कोरोना वापस आ सकता है। कल देखा होगा आपने टीवी के अंदर जगह जगह कोरोना के केस आ जाने लगे, चिंता करो, बच के रहो, बच के रहो। मुझे दो बार कोरोना हुआ, और कोरोना के बाद में हार्ट की, किडनी की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अलग तरह की हो भी नहीं लोगों, मुझे हार्ट की हो गई, मेरा इलाज हुआ है सूरज के अंदर, स्टेंट लगा। अगर स्कीम नहीं होती तो 2-3 लाख रुपये खर्च होते, मेरे 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। अब कल्पना करो 10 लाख रुपये, उससे तो 5 लाख स्कीम थी, अब मैंने 10 लाख ही कर दी। आप बताइए कि 5 लाख बीमा कर दे, कोई भगवान का एक्सीडेंट नहीं हो, एक्सीडेंट हो जाता है तो उसी चिरंजीवी योजना के अंतर्गत आपको 5 लाख रुपये का बीमा भी होगा। हमने एक काम और किया, आईपीडी ओपीडी फ्री कर दी। अब कोई अस्पताल जाएंगे आप लोग, पहले के ऑपरेशन के अंदर कुछ सामान बाहर से मंगाते थे, दवाएं 900 की लिस्ट थी तो उसके अलावा लिस्ट तो वो बाहर जाते थे। अब आपको 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा, पूरा खर्चा अस्पताल खुद उठाएगा। एक प्रस्ताव करती, अगर किसी के ट्रांसप्लांट होना है किडनी,
या लीवर, उसमें आपको मालूम है कि 15-20 लाख भी खर्च होते हैं, गरीब आदमी ले सकता है। तो 10 लाख के अलावा भी जिसका किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैंसर के कारण से, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, अखीर में लोग मर जाते हैं तो उसका ऑर्गन भी, आँख भी, हार्ट भी आजकल ट्रांसप्लांट होते हैं, हवाई जहाज बैठा करता है अमुक जगह जहाँ पर जिसकी मांग है हिंदुस्तान के अंदर। अगर 15-20 लाख में खर्च होंगे तो उसको 15-20 लाख में खर्च करके सरकार उसको पहन दी। ये काली आप बजा रहे हो तो मैं आपको कहना चाहूँगा, अधिकांश लोगों को नहीं मालूम पाती, अधिकांश लोगों को नहीं मालूम। अगर मैं हाथ खड़ा कराता तो 5-7 हाथ खड़े होते अभी मेरे मालूम है, क्योंकि मैं इसी हॉल में भी 3 दिन पहले हाथ खड़ा करवा चुका हूँ। तो ये स्थिति है। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, ये ज्यादा गरीब को मार पड़ती है, ये बातें मैं बोलो क्यों रहा हूँ कि पैसे वाला तो फिर भी कर लेगा, गरीब आदमी कहाँ लाएगा 5 लाख 10 लाख 15 लाख, मकान बेचता है, गहने गिरवी रखता है, पता नहीं क्या क्या करता होगा, क्या बीतती बताओ। तो ये योजना ही गरीब के लिए लागू हो रही है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इतनी बड़ी सोच रखी, आरक्षण भी मिल गया, सब कुछ हुआ है, ऐसी ऐसी एक्ट बन गया राहुल गांधी वाली के वक्त में जिसका आपने जिक्र किया है, अप्रैल वाला, क्या नहीं किया गया, सब कुछ हुआ। मेरे बारे में काफी कुछ कह दिया मंत्री जी ने, एक बात मैं बिना बात बताना चाहूंगा आपको, जिंदगी की। मैं जब पैदा ही नहीं हुआ था, उनके पहले की बात है, जब मैं पैदा हुआ बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा, हमारे मोहल्ले में वहां मेघवाल भी खटीक भी वाल्मीकि भी रहते हैं, माँ मंदिर में जाकर रहता हूँ। तो मेरे पिताजी कहने लगे कि जब मेरी शादी हो रही थी, मतलब उनकी शादी हो रही थी, तो मेरी शादी हो रही थी, पिताजी ने कहा तो मेरे बराती खटीक भी थे, हरिजन भी थे, वाल्मीकि भी थे, मेघवाल भी थे। तो उनके ससुराल वालों को मालूम पड़ा कि भाई जो दूल्हा आ रहा है उसके रात में खटीक भी आएंगे, मेघवाल भी आएंगे, हरिजन भी आएंगे। तो उन्होंने ऐतराज किया उस जमाने के अंदर। तो पिता नहीं बताते थे कि मैंने कह दिया भाई फिर मैं बरात लेके आऊंगा ही नहीं। ये बात मैंने इसलिए कही कि जो मेरे बारे में बहुत कुछ कह दिया इसने जोली ने, कि जो संस्कार आपका पैदा होता ही हो परिवार का, उसका असर जिंदगी में साथ चलता है। आज जो मेरे दिल में गरीब के प्रति, गरीब चाहे कोई भी हो, अगर गरीब ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, तो ये लगता है गरीब की पहले सेवा करो, जो भूखा मरना पहले सेवा करो। तो इसीलिए मैं आज कई बार मजा करता हूँ कि भाई ऐसा क्या बात है कि मेरी जाति का सिर्फ 1 MLA है विधानसभा के अंदर, और मैं मुख्यमंत्री हूँ 1 MLA होते हुए भी, और 1 MLA कौन है, मैं खुद ही हूँ। अगर मैं अकेला ही हूँ खुद ही, फिर भी शक्ति जी को मुझे बर्दाश्त कर रही है, बर्दाश्त गरीब नहीं कर रही है, प्यार कर रही है, स्नेह कर रही है, आशीर्वाद दे रही, जो भी कर रही है। आप बताइए कितना मैं लकी हूँ, अकेला विधायक और 3री बार मुख्यमंत्री आपने मुझे बना दिया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरी तरफ सबको होना चाहिए, छत्तीस जी को मैं प्यारा हूँ। क्योंकि जिंदगी 1000 साल की होती नहीं है भाई, 1000 साल की होती नहीं, 100 साल जाएगा, 110-120 के लोग भी साधु संतों को देखते 126 साल का हो गया भाई, बहुत इक्का दुक्का होता है। अगर जिंदगी 1000 साल की होती तब तो अपन हिसाब किताब रखते हैं। उम्र आपकी से भी फिक्स है, काय के भेदभाव, क्यों घृणा, क्यों नफरत,
सब प्यार मोहब्बत से रहे हम लोग, भाईचारे रहे, सद्भावना हुआ आप पर क्या 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 झगड़ा हो, करोड़ भी झगड़ा हो गया, क्या जरूरत है बताओ। अब उन्हें राजनीति शुरू कर दिए चुनाव आने के लिए। हमने उस घटना को बहुत सीरियस लिया। दो दिन तक मैंने 10 घंटे सब SP से बात करी, पुलिस विभाग में बात करी, नतीजा ये राम नाम के जुलूस में सब धर्मों ने फूल बरसाए, राम नाम के जुलूस कर दिया। आप देखा होगा वीडियो सोशल मीडिया में। और एक जगह घटना नहीं हुई और बाकी कई राज्यों में दंगे हो गए हैं, बुलडोजर चल रहे हैं। ये बुलडोजर चलने वाले जो है बीमारी कहाँ से आ गए? अगर राज करने वाले बुलडोजर चलाएंगे तो अंबेडकर का राज कहाँ रहेगा, उनका संविधान कहाँ रहेगा? हमेशा कायदा होता है, कानून का राज रहे, बल्कि फिलोसॉफी है कानून की तो कि 100 छूट जाए मुलजिम या दोषी उसकी चिंता नहीं है, एक भी निर्दोष लोग नहीं फंसना चाहिए, एक बड़ी काम है। कितनी बड़ी बात है। और यहाँ पर पता ही नहीं किसने नारे लगाए, किसने दंगे भड़काए, कुछ पता नहीं, लिस्ट बनी पुलिस की, बुलडोजर गए और बुलडोजर उनके मकान साफ कर रहे हैं। कल आंखों में आंसू आ रहे थे औरतों के, मैंने देखा था टीवी के अंदर, जिनके घरों में बुलडोजर चल गए हैं, इतने गरीब घर घर वाले थे, घर वाले अभी बन गए। मैं भाव बोल रहा था, बताओ क्या तरीका भाई है राज करने का। एक तरफ कहते हैं कि निर्दोष लोग राजस्थान में करोड़ों में फंस गए हैं, निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, और आप बताओ वो निर्दोष है जिनको आप कह रहे हो कि निर्दोष पकड़े जा रहे हैं, जो हमारे बीजेपी नेता कहते हैं, और बुलडोजर जो निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं वो तो पुलिस के अंदर तो वापिस बन गए हैं क्योंकि वो पकड़े जा रहे हैं, तो क्या हमारी सरकार जाके उनके घरों में बुलडोजर चला गए? बताइए, जिनको हम पकड़ रहे हैं तो पुलिस की दृष्टि में तो वो मुजरिम है, अपराध किया उन्होंने, दंगे भड़काए, हो सकता वास्तव निर्दोष हो। और जिसके लिए हमारा नेता बीजेपी कहता है भाई निर्दोष लोग पकड़े जा रहे हैं, हो सकता निर्दोष हो उसमें कुछ लोग, तो जान का विषय है। तो क्या सरकार दूसरे दिन बुलडोजर बेच सकते हैं कि वहां पर तोड़ना चाहिए क्या? बताइए आप लोग, बताइए आप लोग, तोड़ना चाहिए उनको? ये क्या तरीका हुआ? बड़े खुश हो रहे हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, यूपी चुनाव क्या जीत गए बुलडोजर के नाम से, क्योंकि घमंड आ गए लोगों को। अरे जनता जनार्दन है, कब किसी को घर भेजते पता नहीं लगता है। इंदिरा गांधी महान नेता थी, भूकरण में परमाणु विस्फोट कर दिया, दुनिया देखती रह गई, अमेरिका वगैरह, पाकिस्तान के तो टुकड़े कर दिए उन्होंने, बांग्लादेश बना दिया, जनता ने उसको भी हरा दिया। इंदिरा जी कुछ ना हारे, कल्पना कीजिए आप, ये लोकतंत्र है। और फिर आनी चली उनकी, वापस वो प्राइम मिनिस्टर बन गई, मैं भी उस वक्त MP बना 40-42 साल पहले, केंद्रीय मंत्री बना उनके साथ में, डिप्टी मिनिस्टर। अब बताइए, कानून का राज रहना ही चाहिए, इसमें चाहे BJP हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, उनका कमिटमेंट होना चाहिए कि हमने शपथ ली संविधान की तो कानून की रक्षा करेंगे। अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि वही है अगर आप कानून की रक्षा करते हो, कानून की पालना करते हो, संविधान को मानते हो, शपथ लेते हैं, काम उल्टा करते हैं, इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है बताइए आप? चाहे कोई करे, आप शपथ लेते हो, उस शपथ को आप शपथ लेने के बाद ना उल्टा काम करते हो, अपने खुद की स्वार्थ में ये राजनीति करने के लिए। इसको देश को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अगर देश को एक रखना है, अखंड रखना है, अनेकता में एकता वाला मुल्क है, जो सपना अमेरिका ने देखा था, काम करो इस पर करो ना। RSS कौन मना कर रहा है? छुआछूत मिटाने का काम RSS वाला निकल जाए गांव गांव में, उनका मान सम्मान बढ़ जाएगा। अगर RSS कहते हम सांस्कृतिक दल है,
गांधी जी की हत्या भी उस वक्त सरदार पटेल ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था इसी आदर्श पर, लिख के दिया कि हम जिंदगी में कभी राजनीति नहीं करेंगे, हम खाली सांस्कृतिक दल रहेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आज छुआछूत सबसे बड़ा मानवता कलम मानता हूँ मैं आज भी, क्यों नहीं आरएसएस के लोग सब काम छोड़ करके ऊंच नीच का भेदभाव हो, छुआछूत हो, सामाजिक सिक्योरिटी हो, सोशल सिक्योरिटी हो, सोशल जस्टिस हो, सामाजिक न्याय हो, इन कामों को खात्मे लेने के लिए आगे क्यों आता है? अगर वो हिंदू की बात करते हैं, क्या एससी एसटी वाले हिंदू नहीं है क्या? क्या ओबीसी वाले हिंदू नहीं है क्या? हम हिंदू नहीं है क्या? आप उस पर भेदभाव कर रहे हो, आपको चाहिए सब काम छोड़ के अगर हिंदू की बात कर रहे हो करो हिंदू की बात। हिंदू में एससी भी आता है, एसटी भी आता है, ओबीसी भी आता, सब कौम में आती है, आप उसे कल्याण की बात करो। हर धर्म सिखाता है कि आप अपने धर्म को मानो। गांधी जी ने कहा था कि मेरे घर में हिंदू हूं, हम तो हिंदू नहीं है क्या? हमें गर्व नहीं है क्या? पर हर धर्म ये कहता है खुद का धर्म में गर्व करो, दूसरे धर्म का सम्मान करो। ठीक है, तमाम झगड़े मिट जाएंगे आपके, तमाम झगड़े मिट जाएंगे अगर आप ये करोगे, सब प्रेम से रहोगे, सद्भावना से रहोगे। आप पूरे देश में दुनिया में जो हिंसा हो रही है, महात्मा गांधी तो अहिंसा के पुजारी थे, उन्हें जन्मदिन 2 अक्टूबर पूरी दुनिया मना रही है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में, पूरे देश के अंदर हिंसा हो तो इससे बड़ी दुर्भाग्य बात क्या हो सकती है? यूक्रेन में हो रहा है, कितने लोग निर्दोष माने जा रहे हैं कि आप में हमारे में से ऐसे लोग नहीं है जो उसको लेकर भी दुखी होते हैं, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, सिविलियन मारे जा रहे हैं। तो ये देश तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना वाला देश है, जिसको जिसको अम्बेडकर ने उस जमाने में संविधान दिया है देश को, इसलिए उनकी जयंती पर चिंतन हो, मनन हो। आज तो अम्बेडकर को सब पार्टियां मानने लग गए, कल मानती थी क्या? आप जो बुरे लोग बैठे हैं, सीनियर लोग, आप बताइए कि कोई जमाने में गांधी को भी मानती थी? सरदार पटेल को भी याद करते थे, अम्बेडकर को मानते थे? आज तो वो सब चुरा रहे हैं उनको, पोस्ट ऑफिस से जगह खाली अपने स्वार्थ के लिए, कोई मान चुरा लो आप, पर दिल से मानो फिर लो। आप गांधी को दिल से मान लो, कोई दिक्कत नहीं, हमें ऐतराज नहीं होगा। आप सरदार पटेल की भावना थी उसको दिल से मान लो, अपना लो। आप अंबेडकर की भावनाओं को, जो उनकी सोच थी, उसको आत्मसात कर लो, मुझे खुशी होगी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई पार्टी वाले। खाली आप हमें खाली पॉलिश पार्टी पॉलिश करने के लिए अपनाओगे तो हमें ऐतराज होगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि हालात देश में अलग तरह के बन गए हैं। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, गुजराती करोगे हमें सांसद ही नहीं निकलती है। अरे भाई शादी लेके बैठे हो यहाँ पे, हमारे तो कोई मिले ही नहीं आपको, तो वो क्या हमको नहीं जानते, मतलब ऊपर से आते हैं तो मिल लेंगे, क्या बात है। सब पे दबाव है, मीडिया में दबाव है, अभी ये मीडिया वाले बेचारे हिंदी मेहनत कर रहे हैं, अब इनकी कुछ चलती थोड़ी है, ऊपर दबाव है इनके। चाहे तो इनको दिखा सकते हम सबको, चाहे तो थोड़ा बहुत दिखाएंगे, तो दबाव है मालिकों पर। अच्छे लोग हैं मेरे मिलने वाले, कई लोग इनकम टैक्स ईडी कब गुजरेंगे, स्टूडियो का स्थिति है, तो बातें करने को बहुत सारी हैं, पर मैं इतना ही करना चाहूँगा कि आप लोग दिमाग में रखें जो हालात बन गए हैं, इतना अमेरिकर ऐसे के लिए हमने बहुत कुछ किया, कृपा करके आप मेरे उस बजट को पढ़िएगा, बजट को पढ़िएगा, मेरे पास टाइम नहीं है मैं बताऊँ। हम उद्यमी बनाए जाते हैं ऐसी एस टी के लोगों को, उसके लिए मैंने एक कानून पास किया है उनके बजट को लेके, जो भी जूली कह रहे थे आपको। दूसरा उद्यमी बनाने के लिए मैंने रिको को पार्टनर बनाने के तय किया है, क्योंकि एक इंडस्ट्री है, कौन कितने इंडस्ट्री सब अच्छे वाले, 70 साल के बाद में खाली उंगली में गिन लो इंडस्ट्री वालों को, एस सी एस टी लोगों को। हमने तय किया वो इंडस्ट्रीज बने, उनके लिए अलग से पैकेज दिया हमने, और साथ में किया है
रिको जो है, रिको तो आप जानते हैं रिको क्या है, उसको वो पार्टनर बन रखे 25% का उसको चाहेंगे तो, जिससे कि टेक्निकली कौन सी मशीन आएगी, क्या फैक्ट्री लगेगी, क्या उत्पादन होगा, सब वो बता सकते हैं आपको। ये मैंने किया, अपना अगर आप नहीं पढ़ोगे तो खुद तो नहीं फायदा उठा पाओगे, पर आप और फायदा दिला नहीं पाओगे। तो आपकी जिम्मेदारी जब आप आए हो, आप सब लोग यहाँ पे आने वाले लोग जो हैं, मेरा मानना है कि आप लोग 200 बच्चों को मैं विदेश भेज रहा हूँ सरकारी खर्चे पर पढ़ने के लिए। गायकवाड़ साहब ने अम्बेडकर को भेजा, क्रांति हो गई, ठीक है। एक आदमी उस जमाने के अंदर जो छुआछूत थी, भेदभाव थे, तब गायकवाड़ साहब जो नरेश थे बड़ौदा के, उन्होंने भेजा अम्बेडकर को। उस जमाने में उनकी सोच थी, उनको तो हमें याद करना चाहिए। तो आप बताइए, मैं 200 लोगों को भेज रहा हूँ तो जहाँ जा जाए अपनी प्रतिभा बताई जाए, वो कोई भी हो सकता है जाति बिरादरी का। अब उसको अगर हम पढ़ेंगे नहीं, आप ध्यान रखेंगे नहीं कि स्कीम क्या है, तो जानकारी के अभाव में हम लोग तकलीफ आते हैं। नॉलेज इज पावर। नया जो IT का युग आया, राजीव गांधी ने जो IT का युग लाने की बात की थी, उस जमाने में कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन हर हाथ में आ गया। हम तो 1,33,00,000 महिलाओं को, 1,33,00,000 महिलाओं जिनके चेंजिंग कार्ड है, उन सबको मोबाइल फोन देने जा रहे हैं जल्दी ही। हमारी दादा बैठी हुई भरतपुर की बहुत खुश हो रही है। तो आप सोच सकते हो महिला सशक्तिकरण, सोमिया गुजरे थी बहुत खुश होगी महिलाओं की बात। अब ये फंस गई है, ये बीजेपी थी है। मेरी पार्टी वाले मुझे क्या कहेंगे, तुम कहाँ जाएंगे फिर भी वहाँ पर। मैं मजाक कर रहा हूँ कि देखो होता है ऐसा कई बार, और वो कम हो के आते हैं जब कांग्रेस बीजेपी के साथ बैठते हैं, फिर कम हो के आते हैं। तो ये बहन हमारी बैठी आकर बात सुन रही है, समझ रही है। तो मैं कहना चाहूँगा आपको, कृपा करके आप बजट या अखबार वो तमाम आप लोगों के स्टडी करना चाहिए। और मुझे उम्मीद रखनी जो जो टाइम बहुत कम है, क्योंकि अभी अम्बेडकर के प्रोग्राम और है आगे, आज 4-5 प्रोग्राम है। तो मैं माफी चाहता हूँ कि ज़्यादा आपसे उम्मीदवार दे जाता हूँ। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उनकी बर्थडे पे आप सब मनाने आप आए, और बहुत ही उत्साह है। बच्चे हमारे जानकारी से भी आए हैं, कितना प्यारा संगीत में जा रहे थे बताइए आप, कितना अच्छा। अभी मैंने जानकारी में जिससे जनों के लिए विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा कर दी है। शायद देश का पहला होगा, शायद पहला होगा। नंबर दो, अभी मैंने जोधपुर के अंदर एक अन्य विद्यालय को कॉलेज, एक निस्तकजनों के लिए जो रेफरेंडम होते हैं उनके लिए जयपुर में भी पोदार और जोधपुर में भी दो अपने कॉलेज बनाने की घोषणा करी। और ये संगीत का काम मैंने कहा कि भगवान जब कोई कुदरत में कोई कमी देता है तो साथ में कोई उसकी विशेषज्ञता देता है, इतने सुंदर बनाए। मैं एक बार गया, अन्य विद्यालय के बच्चों की शादी हो रही थी, दूल्हा दुल्हन दोनों अंध थी। तो मैं खुद बराती बन के गया, इतना अच्छा लगा मुझे। और जब हम पहुंचे बारात लेके दुल्हन के घर पे, तो कल्चरल प्रोग्राम था, सब वो अंध विद्यालय बच्चों ने किया, शानदार था। जोधपुर वाली एक समाज सेविका है सुशीला पाड़ा, इसको सिखाती है, इतना शानदार वो बरात थी उनकी, देखती बनती थी। कहने का मतलब ये समाज के अभिन्न अंग है, ये कोई दया के पात्र नहीं है, सम्मान के पात्र, हमारे लिए सम्मान के पात्र।
यही बात करता हूँ मैं आप सबको, बहुत बहुत समय न्याय अधिकारी विभाग के हमारे मंत्री जी को, इनका महकमा बहुत बड़ा महकमा है, और साथ में हमारे अधिकारियों को सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, वो सब भले के पात्र हैं। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।